अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हालचाल? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ब्लॉग तो नहीं कह सकता, वीडियो भी कह लें, ब्लॉग भी कह लें, जो भी कहना है आप कह लें। तो आज की जो वीडियो है तो उसका जो टॉपिक है वो है जी बाइक टूर के मुतालिक, क्योंकि आजकल जो सीजन है वो बाइक टूर का चल रहा है। तो इसलिए आज जो मैं वीडियो है वो बाइक टूर के मुतालिक लेके आ रहा हूँ कि कितनी कॉस्ट आती है और क्या 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 जो चैलेंजेस है वो आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं वीडियो देख रहा था एक यूट्यूबर की, तो वो ऐसे तो कार के मतलब यूट्यूबर की वीडियो है, लेकिन उन्होंने आज कोई पहली मरतबा जो है बाइक टूर किया था। तो किया उन्होंने ननांतला तक था, लेकिन उन्होंने जो निकाल दिया रिजल्ट, तो वो उससे मैं जो मुतमइन नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने जो किया सकर्दू तक ट्रिप किया, तो जिसमें जो हमारी बाइक थी वो सारी जो है वो अच्छी तरह से टेस्ट हुई है। तो मैं बताता हूँ हमारे पास बाइक कौन सी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुझे पसीना काफी ज्यादा आने वाला है, क्यों? क्योंकि कमरे में एसी वगैरह तो लगा नहीं हुआ और ऊपर जो पंखा है वो भी बंद है, तो इसलिए मैं गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको पसीना अच्छा ना लगे तो इसे इग्नोर कीजिएगा और जो इन्फॉर्मेशन है उसे इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। शुरू करते हैं। हम टूर किया था हमने पिछले साल सकर्दू का, समुद्री से सकर्दू। तो हमारे पास बाइक कौन कौन सी थी? हमारे पास थी एक यामाहा YBZ मेरा ख्याल 125 जो होता है, फैमिली बाइक जो उन्होंने बनाई है वो, और एक था हमारे पास सुजुकी का GS 150, और एक था हमारे पास होंडा 125 जो कि मेरा था। जो हमने ट्रिप अपना प्लान किया था वो इस तरह प्लान किया था कि हमने तकरीबन 15,000 रुपए जो थे, हमने जो बजट बनाया अपने ट्रिप का वो 15,000 का बनाया था, जिसमें से 5,000 रुपया हमने अपने हनी भाई को पकड़ा दिया था। उन्होंने सिर्फ जो होटल का रेंट है वो देना था, जो खाने पीने का खर्चा हनी भाई ने वो उनमें से निकाल के देना, बाकी जो हमारे पास 10,000 था वो था जी हमने पेट्रोल जो डलवाना है वो हमने खुद डलवाना है। तो ये था जी हमारा खर्चा। फिर लगा कितना हमारा, हमारा जो खर्चा आया सकर्दू से, सकर्दू तक गए हम, सकर्दू तक ही गए, उससे आगे हमने कुचौड़ा लेक देखी, अपर कुचौड़ा, लोअर कुचौड़ा तो देखी नहीं है मेरे घर, तो लोअर कुचौड़ा के अंदर गए हैं, अपर कुचौड़ा लेक देखी है, लोअर कुचौड़ा भी देख ली समझ ले, और बस डेजर्ट वैली जो थी, डेजर्ट जो था वहां पर मतलब मैंने नाम से सरफरंगा डेजर्ट वो देखा, तो वहां तक गए और वहां से वापसी कर लिए। तो हमारा टोटल खर्चा जो आया तकरीबन 18,000 या 20,000 के दरमियान जो है वो हमारा खर्चा आया टोटल। ये एक साल पहले की बात है, अगर अब हम ट्रिप करें तो अब जो खर्चा है तो वो पता नहीं कितना आएगा। अब आप उस हिसाब से जो है एवरेज है वो निकाल लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। हमने यहाँ से जो सफर स्टार्ट किया, समुद्री से ही बाइक का सफर स्टार्ट किया और रावलपिंडी तक बाइक पे ही गए। तो जो बाइक पे रावलपिंडी तक एवरेज आई है जो कि 125 की टैंक है वो है 9.2 लीटर की, तो रावलपिंडी के करीब ही पहुंच के जो मेरा 125 का टैंक था वो खत्म हो गया था। तो फिर हमने वहां से पेट्रोल डलवाया और रावलपिंडी चले गए। तकरीबन आप इस तरह समझ लें कि 1,000-1,200 का पेट्रोल हमारा लगा है रावलपिंडी तक जाने का, वो भी पिछले साल। अब तो पेट्रोल प्राइस जो है वो काफी ज्यादा अप हो गई है, तो उस हिसाब से आप एवरेज निकाल लीजिएगा। तो फिर हमने रावलपिंडी से जो स्टे हुआ हमारा, तो वो हुआ था हमारा 2,500 का पर नाइट, खाना वगैरह अलहदा है और होटल का जो किराया था वो अलहदा था। तो 2,500 पर नाइट जो है हमारा रावलपिंडी में स्टे हुआ। अगले दिन हमने स्टार्ट लिया रावलपिंडी से और हम रुके हैं जाके शुगरा सिरीपाई में जाके रुके हैं। तो सिरीपाई में हमने कोई होटल में स्टे नहीं किया, हमने कैंपिंग की थी, तो उसके जो पैसे हैं हमारे बच गए थे। लेकिन वहां पे जो बाइक है हमारी जो के चैलेंज मैं आपको बताने लगा हूँ, तो सिरीपाई पे जो हमारी बाइक्स है तो वो तकरीबन फेल हो गई थी। GS 150 वो भी ठीक चल रही थी, मेरी 125 बाइक वो भी ठीक चल रही थी, जो थी यामाहा की 125 वो वहां पे होगी फेल। तो मैं बार बार नीचे आ रहा था, धक्का लगा के ऊपर बाइक को लेके जा रहा था, बहुत ज्यादा एडवेंचरस था। रात का टाइम था, 11 बज रहे थे कि 10:30 हो रहे थे, तो उस टाइम हम वो जो सिरीपाई वाला रोड है वो चढ़ रहे थे ऊपर की जाना, तो ऐसे करते करते हम ऊपर चढ़े हैं। तो वहां पे जी जो बाइक विन की है वो किया 150 अच्छे तरीके से, अगर किया ना विन किया तो 150 ने अच्छे तरीके से विन किया, उसके बाद मेरे 125 ने, तो या मैं तो बिल्कुल ही बेकार है। उससे आगे हम गए हैं बाबूसर टॉप, तो बाबूसर टॉप पे भी जो बाइक है वो अच्छी खासी चेक हुई हमारी, जो यामाहा है उसकी तो क्लच प्लेट्स वहां पे खत्म हो गई थी, मेरा 125 वो भी वहां पे नहीं चल रहा था और जो थी 150 वो बड़े आराम सुकून से चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ जो हमारे एक यूट्यूबर भाई ने की है, वो गए सिर्फ नरान का गांव तक बस, उससे आगे वो नहीं गए, क्योंकि बाबूसर रोड का जो
टॉप का जो रोड है वो बंद था, तो वो उससे आगे तो गए नहीं है। वैसे भी उन्होंने, मेरे घर प्रोग्राम नहीं था उनका जाने का, तो उन्होंने वहां तक जाते जाते बता दिया कि ये बाइक अच्छी थी, ये बाइक बहुत अच्छी थी, तो ये बाइक बहुत अच्छी है। तो मैं नहीं समझता, मेरे मुताबिक बाबू सर टॉप से पहले पहले तक ना यमा सिर्फ सिरी पाई का जो रोड है ना उसको छोड़ दे, अगर सीधा सीधा जाए ना तो कोई बाइक मेरे ख्याल से नहीं तंग करती, ना किया था किसी बाइक ने भी। हमारे जो ग्रुप में थे किसी बाइक ने भी तंग नहीं किया था, ना वंट बाइक ने तंग किया होंडा के, ना यामा के वंट बाइक ने तंग किया, और ना ही सुजुकी जीएस 150 ने तंग किया। वो भाई कह रहे हैं कि वंट बाइक ने तंग किया है, और जो मेरी यामा की 125 है वो मिला रहे सुजुकी की जीएस के साथ। तो ये मुझे बात उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो, एक तो उनका रोड ट्रिप काफी ज्यादा इजी था, और जो वो बाइक को मिला रहे हैं जीएस के साथ तो काफी ज्यादा नाइंसाफी। अगर वो थोड़ा सा आगे चले जाते और बाबू सर टॉप चढ़ जाते फिर उन्हें अंदाजा हो जाता कि कौन सी बाइक अच्छी है और कौन सी नहीं है। बाबू सर टॉप भी चढ़ जाएगा ही, बाइक चढ़ सकती है अगर हो, लेकिन मोहाल भाई की जो बाइक थी जो कि बाइक बिजी थी तो उसकी क्लच प्लेट खत्म हो गई थी, तो जो मेरी बाइक थी वो भी बहुत मुश्किल से बाबू सर टॉप चढ़ी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबू सर टॉप के बाद अगली जो हमने स्टॉप किया चलास के में, चलास पे किया था। तो चलास का जो हमारा होटल का रेंट था वो तकरीबन कोई 1500 रुपया जो हमने पर नाइट का 1500 जो है हमें रेंट पर है। अगले दिन हम निकले हैं चिलास से होते हुए हम गए स्कर्दू कह दिया अस्तोर पे जी भी जो हमें कमरा मिला वो तकरीबन 800-1000 इसमें मिल गया था। तो काफी ज्यादा अच्छा रूम था, वो भी मैं आपको ये वीडियो में दिखाता रहूंगा कि बड़ा अच्छा रूम था जो कि हमें वहां पे मिल गया था। तो वहां पे हमने स्टे किया, उसके बाद हम गए रामा लेक जो कि हमने जो ट्रैक है वो बहुत सारे टफ ट्रैक है, जैसे कि श्री भाई का ट्रैक बहुत ज्यादा टफ है, वहां पे बाइक जो है अच्छी तरीके से चेक होगी। फिर किया रामा लेक का ट्रैक, वो भी ट्रैक काफी ज्यादा टफ था, अच्छा था, मजेदार था, काफी ज्यादा मजा आया और काफी ज्यादा एडवेंचरस था वो किया। तो वहां पे भी जो मुआज भाई की बाइक है वो फेल थी, हालांकि चिलास में हमने बाइक का काम भी करवाया था, मुआज भाई की बाइक की क्लच प्लेट भी डलवाली थी, फिर भी वो फेल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक भी ठीक ही थी, लेकिन जीएस वो टॉप लाइन पे थी, और उसके बाद मेरी थी 125, फिर मुआज भाई थे जो पैसेंजर के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो रामा लेक का ट्रैक किया, वापस आए, फिर हमने निकल गए स्कर्दू के लिए। तो जो था देवसाई नेशनल पार्क में से होते हुए हम स्कर्दू गए, और देवसाई नेशनल पार्क में भी बाइक जो है 125 मिसिंग कर रही थी, जो कि बात है 125 ने बाबू सर टॉप पे भी मिसिंग किया और रामा लेक के ट्रैक पे भी मिसिंग किया, और जो किया है बाबू सर देवसाई नेशनल पार्क पे भी मेरी बाइक ने मिसिंग किया, लेकिन यामा थी वहां पे बंद हो गई थी, बिल्कुल दम घुट गया था उसका, मिसिंग तो अलग बात होती है, वो उसका दम ही घुट गया था, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो वहां पे जी यामा की वो 125 है वो बिल्कुल हमारे ग्रुप के मुताबिक, हमारे तजर्बे के मुताबिक वहां पे फेल हो गई थी। के बाद हम जैसे कैसे करके भी स्कर्दू पहुंच गए। हमने जो वहां पे स्टे किया तकरीबन 1500 में हमने वहां पे स्टे किया दो नाइट्स का, एक नाइट जो हम पहुंचे थे, तो दूसरी नाइट जो हमने वहां पे स्टे किया, उसके बाद अगले दिन हम जो है वापसी कर लिए। तो ये थी हमारी जर्नी जो कि सारी हमने की है। इसमें ये मैं बताना ये चाह रहा था कि जो अगर आपने टूरिंग के लिए बाइक, अगर आप समझते हैं कि आपने टूरिंग करनी है और आपको अच्छी बाइक चाहिए, तो आपने जीएस 150 लेनी है, आपने और किसी बाइक को कंसीडर नहीं करना। उससे अच्छी बाइक अगर मिल रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नीचे बाइक मिल रही हो जैसे कि 125 हो गया, और जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरा यामा जो है 150 के साथ मुकाबला करा था, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं समझता कि वो 150 के साथ मुकाबला कर सकता, किसी सूरत भी नहीं कर सकता। जिस जहां तक उन्होंने वो ट्रिप किया ना नरान तक, वहां तक तो मैं कह ले कि हनी भाई की बाइक से आगे ही रहा हूं, इस तरह आप समझ ले, लेकिन मैं रहा नहीं क्योंकि मैंने वो हमें लीड करे थे कमांडर के पीछे पीछे, ने मैं रहा साथ रहा, मैं चाहता मैं आगे भी निकल सकता था, लेकिन मैं वैसे ही उनके पीछे पीछे रहा। इसमें नराह कहां तक मैं नहीं समझता कि आप, अगर आपने नराह कहां तक कोई टूर करना तो आप कोई भी बाइक लेके जा सकते हैं, मेरे ख्याल से वहां पे इजी रोड है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने टफ ट्रैक करने हैं जैसे कि सिरी पाई का ट्रैक बहुत ज्यादा टफ ट्रैक है, रामा लेक का ट्रैक अच्छा ट्रैक है, टफ भी है मजेदार भी है, और बाबू सर टॉप की चढ़ाई जो है वो काफी ज्यादा टफ है, तो वहां पे ये आपकी बाइक की चीखें जो है वो निकल सकती हैं। इसलिए आपने जो अपनी बाइक का इंतखाब करना है वो दुरुस्त करना है, जो कि 150 जीएस काफी ज्यादा अच्छी बाइक है, काफी ज्यादा। आप जब भी जाएंगे टूर पे तो आप नोटिस कीजिएगा कि ज्यादातर जो ग्रुप्स हैं, ज्यादातर जो बाइकर्स हैं, वो जीएस 150 लेके जाते हैं,
और जो हमारे ग्रुप में भी थी जीएस 150 थी, तो काफी ज्यादा जो अच्छा रिजल्ट था तो वो जीएस 150 का था। 125 जो मेरा था उसने भी ठीक ठाक मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी तंग ना हो तो जीएस 150 सबसे अच्छी बाइक है। और जो यामा वाले थे वो तो बिल्कुल मेरे ग्रुप के मुताबिक जो था जब मैं बता रहा हूँ फेल है, बिल्कुल फेल है। तो भाई पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि मेरी जो 150 है उसके साथ मुकाबला कर रही थी, गलत कह रहे हैं। तो बस मैं क्या बताऊँ, तो ये छोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक रहते रहें, अल्लाह हाफिज़।